अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया इलेक्ट्रिक बस का निरीक्षण, नवी मुंबई परिवहन के लिए देंगे 100 नई बसें। भाजपा के राज्य परिषद में शिरकत करने आए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शनिवार को नवी मुंबई मनपा परिवहन की इलेक्ट्रिक बस का औपचारिक अवलोकन किया। जावड़ेकर ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसें मोदी सरकार के पर्यावरण सुरक्षा अभियान के तहत देश भर में प्रदान की जा रही हैं। इससे जहां प्रदूषण थमेगा, वहीं ईंधन की खपत में भी भारी कमी आएगी। केंद्रीय मंत्री ने नवी मुंबई मनपा की नई मांग पर 100 नई बसें देने को भी औपचारिक मान्यता देते हुए परिचालन की सराहना की। आज मुझे नवी मुंबई के इस इलेक्ट्रिकल बस का शुरुआत करते समय बहुत हर्ष हो रहा है। यहाँ के नेता गणेश नाइक, यहाँ के मेयर और संदीप नाइक और सभी लोग यहाँ है। ये 125 करोड़ में इलेक्ट्रिकल बस मिलती है। देश के शहरों में जो प्रदूषण है वो कम करने के लिए, क्योंकि ये ज़ीरो पोल्यूशन है, इससे प्रदूषण होगा ही नहीं। और ऐसी बसें ग्राहकों के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि उनका भी फायदा इसमें होगा। और इसलिए मोदी सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। अभी तक 2000 से ज़्यादा बसें हमने दी है, और भी आगे इस बजट में और ज़्यादा रकम मिली है तो हम देंगे। और ये भारी उद्योग मंत्रालय के तरफ से ये ग्रांट दी जाती है, तो आज इसका यहाँ प्रत्यक्ष देखने पर मुझे बहुत हर्ष हुआ है। और मैं नवी मुंबई कॉरपोरेशन को भी अच्छी बस तैयार करके सिलेक्ट करने के लिए बहुत बधाई देता हूँ। एक तो पेट्रोल डीजल बचेगा, लेकिन मूल फायदा प्रदूषण का है कि प्रदूषण नहीं होगा, ज़ीरो होगा। नहीं तो वाहनों से प्रदूषण होता है, वो कम करने के लिए वैसे भी मोदी सरकार ने अभी BS6 लेवल का पेट्रोल डीजल मिलेगा, फ्यूल मिलेगा, और BS6 का कंप्लायंट व्हीकल्स भी 1 अप्रैल से मिलेंगे, तो उससे भी एक बहुत बड़ा पैमाने पर प्रदूषण कम होगा। लेकिन ये तो ज़ीरो प्रदूषण है, और इसलिए इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी को बढ़ावा देने का निर्णय किया है। लोग भी इलेक्ट्रिकल की गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। मैंने भी मंत्री के नाते इलेक्ट्रिकल गाड़ी का ही मैं उपयोग करता हूँ दिल्ली में। वहीं महापौर जयवंत सुतार ने नवी मुंबई को पर्यावरण पूरक शहर बताते हुए कहा कि हमें खुशी है कि जिस मंत्रालय ने NMMT को इलेक्ट्रिक बसें दी है, उसी विभाग के मंत्री ने इन बसों के परिचालन की सराहना की है। महापौर ने कहा कि हमने पहले 100 बसें मांगी थी, जिनमें से 30 बसें मिली हैं। 100 नई बसों के आने से नवी मुंबई में पर्यावरण पूरक परिवहन चलाने का सपना पूरा हो सकेगा। इसके पहले केंद्रीय उद्योग मंत्रालय के माध्यम से कॉरपोरेशन का 200 इलेक्ट्रिक बस मिलने का निवेदन इसके पहले दिया था। उस माध्यम से 100 बसेस पारित किए हुआ है। अभी 100 बसेस और देने का निवेदन आदरणीय केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर साहब इनके पास दिया है। आज मुझे खुशी है कि अब जिस मंत्रालय के अंडर में ये बसेस मिला है, वही मंत्री महोदय ने ये बस देकर खुशी व्यक्त की है। कल उठ के जिस ढंग से नई मुंबई शहर स्वच्छ है, वैसा ये प्रदूषण मुक्त शहर निर्माण होना चाहिए, ऐसी संकल्पना केंद्रीय मंत्री महोदय ने बताई है। और हमारे जो नेता आदरणीय गणेश जी नाइक साहब, इनका भी एक संदेश इस नया मुंबई शहर के लिए है, क्या स्वच्छ है, रहने लायक शहर है, ऐसा प्रदूषण मुक्त शहर निर्माण करने के लिए और 100 बसेस की मांग हमने केंद्रीय अवजड़ मंत्री उद्योग मंत्री से की है। और उन्होंने निश्चित तौर पे ये जो आवेदन दिया है, उसका मैं निश्चित तौर पे डिसीजन दूंगा
इस तरह से उन्होंने बताया। पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ते रहे हैं और इस माध्यम से इलेक्ट्रिक का निश्चित तौर पे कम खर्चा है, ये हमने तय किया है और उस माध्यम से 100 बसेस की मांग की और 100 बसेस आया और 100 बसेस की भी मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।